प्लीज आप लोग साइट विजिट करें, साइट विजिट करने के बाद आप खुद देखें कि हमारा मोर देन 80% काम कंप्लीट हो चुका है और इस साल जो प्रदर्शन का वादा है इंशाल्लाह वो तो हो गई, साथ में ऑफर डिस्काउंट मिलेगा वो अलग से। और अगर देखना है देखना पड़ेगा इंशाल्लाह आप लोगों को, तो पिकअप एंड ड्रॉप फ्री है हमारा, पिकअप एंड ड्रॉप ले, यहाँ पर है खाली सैंपल फ्लैट देखे बॉस, लिटरली मजा आ जाएगा। और मैंने फिर बताया था आपको स्टार्टिंग में, ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये फ्लैट नहीं है, टाइटेनिक जहाज है, जहाज। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमेशा की तरह कॉल करना, कॉल बिजी आए तो मैसेज करना। अल्लाह हाफिज। मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एनसीपी शरद पवार गुट के इंडिया गठबंधन के भिवंडी लोकसभा प्रत्याशी सुरेश महात्रे उर्फ बाल्या मामा के नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले आनंद दीघे चौक पर माल्यार्पण करने के बाद बाबा साहेब अंबेडकर और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद दरगाह दीवान शाह पर चादर चढ़ाने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण करने के बाद जबरदस्त भीड़ के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने निकले। चिलचिलाती धूप में हजारों की संख्या में पार्टी समर्थकों और इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ प्रांत कार्यालय नामांकन दाखिल करने काफिला पहुंचा। इस बार इस लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुरेश महात्रे का सीधा मुकाबला बीजेपी के पंचायत राज्य मंत्री और तीसरी बार चुनाव बीजेपी के टिकट पर चुनावी समर में उतरे कपिल पाटिल से होने वाला है। वहीं ये तस्वीरें भिवंडी लोकसभा उम्मीदवार बाल्या मामा के नामांकन की है। एक तरफ से कहा जा रहा है कि बाल्या मामा ने जनता के जरिए अपनी ताकत दिखाई है।